रोजी रोटी सबके अधिकार दादा हो, रोजी रोटी सबके अधिकार। तो जो हाँ, तो चलिए आज हम क्या दिखाने वाले हैं वो हमारे चैनल में बने रहिए। आज चलते हैं हम अपना ऑफिस, तो ऑफिस में आज कुछ नया होने वाला है, एक सामान आ रहा है उसको हम दिखाएंगे, आप लोग बने रहिए। इसके बाद पहुँचने के बाद बोल के दिखाएंगे। तो वो आ रहा है पटना से, तो चलिए दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, काहे कि सर को आना है ना, तो टाइम से आ जाएंगे, टाइम से पहले हम लोग को रहना है। चलिए ऑफिस में ही और कुछ हुआ होगा। तो दोस्तों ये देखिए हम पहुंच गए हैं मनिका, और मनिका आने के बाद हम चलते हैं, ये देखिए थाना पास है, अभी हम आ गए ऑफिस वाला रास्ता पकड़ लिए। और ये रहा हमारा, ये देखिए बिलागर से आगे थोड़ा है चढ़ाई है, यहाँ पर हमारा है श्रमदान केंद्र, लोगों का मजदूरों का यहाँ पर केंद्र है। तो ये देखिए यहाँ खुला है, गाड़ी भी लगा है। चलिए फिर यहाँ पर हम अंदर आ गए, और फिर ये देखिएगा कि यहाँ पर ये देखिए मनोज सर भी आ गए, अब यहाँ पर आएंगे। इसके बाद हम लोग बीरन सर के इंतज़ार करेंगे। ये देखिए ज्योति दी इधर इंट्री कर रही है लैपटॉप में, इसके बाद सर भी अपना लैपटॉप निकाल रहे हैं। और ये देखिए अब सूचना मिला है कि आ गए हमारे बीरन सर, उनको रिसीव करने जा रहे हैं मनोज सर, और रिसीव करके ये देखिए अब आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गए, बीरन सर भी आ गए, और ये देखिए बलराम ज्योति भी सामान को रिसीव कर लिए जो पार्सल था। इसके बाद उसको जल्दी बल्दी देखने का हम लोग का अथी है, क्या है इसमें देखा जाए। तो बने रहिए हमारा चैनल में, क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता। ये देखिए खोला जा रहा है जल्दी जल्दी जो पार्सल पैक किया हुआ है। शेर भी इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं ये हम लोग के लिए ऑफिस में कार्य करने के लिए कौन चीज सामान पटना से आया है, इसको देखना है। देखते रहिए दोस्तों, ये देखिए इतना जल्दी हो सके जल्दी जल्दी खोलने का प्रयास किया जा रहा है। फिर इधर एक लैपटॉप भी निकाल के दिया जा रहा है वीरन सर के द्वारा, निकाला जा रहा है। अब देखिए वो हमारा पार्सल को चक्कू से काट दिया गया। ए देखिए पूरा पैकिंग है दोस्तों, इस पैकिंग को कैसे देखा जाए आप देख सकते हैं। ये प्रिंटर है ना, बड़ी नाजुक है, इस जैसा निकाला जा रहा है कि कुछ हो ना जाए। तो ये देखिए दो दो आदमी का यहाँ पर जरूरत पड़ रहा है इस सामान को निकालने के लिए। दोस्तों क्या हो सकता है, हल्का सा दिखा है अभी, फिर भी नहीं निकल पा रहा है, उसको और अभी लगता है कटना पड़ेगा। तो और देखिए ये अबरी में तो लगता है निकल ही जाएगा, निकल ही गया। ये देखिए यही चीज था, अब इसको सेटअप करना है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी सेटअप किया जाएगा, कैसे चलेगा कैसे होगा इसे हम लोग कैसे काम कर पाएंगे, कैसे आसान होगा मजदूरों के लिए। हमारा ऑफिस में काम होता है खास करके श्रम विभाग की ओर से जितना भी सहायता दी जाती है, श्रमदान पोर्टल में जो भी ऑनलाइन किया जाता है दोस्तों, तो श्रम कानून के भी जानकारी देते हैं, श्रम विभाग से जो भी लाभ दिया जाता है, महिला लोग के मातृत्व लाभ और पुरुष लोग के जो भी काम करने का औजार होता है। तो देखिए फिर बाद में फिर हम लोग बैठ गए, यहाँ पर एक काम हो रहा है और लोग श्रमदान केंद्र में आए हैं अपना अपना समस्या लेकर के।